एवरीवन, नमस्ते. कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे. मैं भी अच्छी हूँ. और इतने टाइम बाद मैं नॉर्मल व्लॉग शुरू कर रही हूँ. अभी मैं जा रही हूँ अकेडमी संजौली, और आज बहुत गर्मी है और मुझे शिमला के दूसरे सिरे पे जाना है. और मैं तो सोच रही हूँ अभी मैं कहाँ कहाँ से जाऊँगी, बायलक्कड़ बाजार होके जाऊँ कि छोटा शिमला होके जाऊँ. और इतनी गर्मी है, आज मुझे उस गर्मी का सामना करना पड़ेगा. और अभी टाइम हो रहा है 9:58 हुए हैं, तो चलो चलते हैं और आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. फाइनली मैं संजौली पहुंच चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी है. मुझे 2 घंटे लग गए संजौली पहुंचते पहुंचते, और यहाँ हूँ मैं तपती धूप में. बाय गाइस. बाय वंशिता. ओह माय गॉड. तो अब हम जा रहे हैं घर, प्रैक्टिस हो गई, और ये वंशिता का पालतू कुत्ता है यहाँ पर. रियाज तो हो गया, अब मैं जा रही हूँ घर. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है आजकल शिमला में, और गर्मी भी बहुत बढ़ती जा रही है, और मूड मेरा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया. और इस मूड में जब ठंडा ठंडा जूस मिले तो मूड फ्रेश हो जाता है. तो मैं क्लास लगा के तो आ चुकी हूँ, और मैं जा रही हूँ घर. गांव जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि आज है शादी है हमारे गांव में. तो चलो आपको भी लेके चलती हूँ मैं अपने गांव. इतने टाइम बाद मैं गांव जा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और अभी हम कर रहे हैं भैया का वेट, भैया ऑफिस से आएगा उसके बाद हम निकल जाएंगे. और टाइम हो रहा है 7 बज चुके हैं, पता नहीं कितने बजे पहुँचेंगे हम लोग. तो चलो आप भी चलो मेरे साथ मेरे गाँव. 8 बज रहे हैं और अब निकले हैं हम लोग. पूरा अंधेरा हो चुका है और मुझे कोल्ड हुआ है बहुत खतरनाक वाला. सब चले गए मेरे से आके, और शाम के टाइम अभी लग रही है ठंडी ठंडी हवाएं. गाड़ी शायद ऊपर है, मम्मा तो चले गए. बारिश नहीं हुई, एकदम से इतना तूफान लग गया और इतना ट्रैफिक लग गया. और किस वजह से लगा ट्रैफिक मैं बताती हूँ. यहाँ पर आगे गाड़ी गिर गई, बहुत ख़तरनाक वाला एक्सीडेंट. होने से बच गया था सिर्फ, मतलब खाई से गाड़ी लटक चुकी थी नीचे की ओर. और आप देख सकते हो कैसे पेड़ हिल रहे हैं. और मैं तो यही कहूँगी कि जो भी बाहर से आते हैं वो सेफ़ ड्राइव करें. आगे बरसात आने वाली है, और उसमें तो बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं हिमाचल में. और ये देखिए, नज़दीक से देख सकते हो आप, इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग गया था. और बच गए होंगे शायद जो जिनकी गाड़ी होगी, होप सो. और यहाँ पर क्रेन से इसको ऊपर लाया जा रहा है, और आप देख सकते हो कि मतलब ऐसे ही गिर गई है नीचे गाड़ी, पता नहीं कैसे ही लटक गई होगी. और इतना बड़ा रोड, पता नहीं कैसे चलाते यार गाड़ी. उसके बाद हमने करवाया गाड़ी का काम. यहाँ पर हम गाड़ी का काम करवा रहे हैं. हाय. कितनी ठंडी ठंडी हवाएं लगी है. माय गॉड, हमारी गाड़ी को उठाते हुए. ओ मम्मी, क्या है देखिए, हवा में है हमारी गाड़ी. पापा ने कहा शादी के लिए लेट तो हो ही चुके हैं, तो चलो थोड़ा सा काम करवा लेते हैं गाड़ी का. कुछ साउंड कर रही थी, मुझे भी नहीं पता, ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे गाड़ियों के बारे में. हम घर पहुंच चुके हैं, और देखा आपने किस तरीके का एक्सीडेंट हुआ था ऊपर. और अब हम जा रहे हैं, परे पापा का फोन आ रहा है, सुन लो. चलो धाम खाने चलते शादी. धाम खाने के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ. ये देखिए, इनको बोलते टोकनियाँ, जिसमें हमारे धाम बनती है. और चेयर के पास हम बैठे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था. 10:30 बजे हम पहुँचे हैं गाँव, और सबसे पहले आया हमें खाने के लिए मदरे आलू, उसके बाद छोले, और कढ़ी चावल आई, उसके बाद मीठा. मीठा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक्चुअली मैं बीमार भी हूँ और इस कारण मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है, क्योंकि गला बैठ चुका है, और गले जब गला बैठ जाता है तो मीठा खाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं. ये है शादी वाला घर, यहाँ पर सब लोग झूम रहे थे खुशी से. और उसके बाद आप देख सकते हो डेकोरेशन, बहुत ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन की थी. मुझे तो ये डेकोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. और सब लोग डांस कर रहे थे. मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बाजे पे सब लोग डांस करते हैं. अंकल तो बहुत ख़तरनाक वाला डांस कर रहे थे. Thank you.
सभी शादियों में होता है जब डांस करते हैं तो नोट ऐसे फेंकते हैं ऊपर, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जाऊँ इकट्ठे करूँ इनको, पर ये तो जस्ट मजाक है। ये अंकल बहुत अच्छा नाच रहे थे जिनको मैं जूम आउट कर रही हूँ, आप देख सकते हो इतना झूम झूम के, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे तो ज़्यादा देखने में मज़ा आता है, बाजू पे मुझे डांस करना नहीं आता है। शादी से और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि 12 बज रहे हैं और अभी भी इतनी ज़ोर ज़ोर से गाने लगे हैं। मुझे तो बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं नहीं जाऊँगी कल बारात में भी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कोल्ड है, फीवर भी आई थिंक सो, और बस मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन कर लिया है, जहाँ जहाँ मुझे फेंसिस होती है वहाँ पर मैंने मेडिसिन लगा ली है, ट्यूब लगा ली है। तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का व्लॉग छोटा सा ही था, आई होप आपको अच्छा लगा हो। बाय। और आप हिमाचली शादी में क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताना। तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।